सभी को नमस्कार। शास्त्रों में हवाला है कि अगर आपके घर पर किसी डॉक्टर को ना बुलाना है, बहुत से विधान बता रखे हैं, बहुत से उपचार बता रखे हैं, अगर उनका उपयोग करते हो तो घर का कोई भी सदस्य बीमार नहीं हो सकता है, लेकिन नियमितता अति आवश्यक है। ठीक ऐसी ही एक अति महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ऐसी ही घरेलू आसान छोटी छोटी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर आप हमारे फैमिलियर बन जाइए। जिस प्रकार आप नियमित रूप से आपकी दैनिक दिनचर्या के रूप से आप कुछ न कुछ खान पान करते हैं, नियमित तौर पे करते हैं, ठीक वैसे ही अलसी के जो बीज होते हैं इनका अगर आप नियमित उपयोग करना सीख लेते हैं और सब परिवार में सारे सदस्य अगर इसका सेवन करने लग जाते हैं, तो वेदाचार्य ये बताते आ रहे हैं कि आपके घर पे डॉक्टर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अलसी के बीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी जबरदस्त होती है कि छोटी मोटी बीमारी आए तो लड़ने की क्षमता स्वतः शरीर में होने के कारण बीमारी निकट नहीं आती है। ये अलसी के बीज अगर आप नियमित सेवन करना शुरू कर देते हो तो 10 को लाभ स्वतः आपको जो न सोचा था वो भी आपको मिलने लग जाते हैं। और ये अलसी के बीज सबको जानकारी में है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करते हैं, ब्लड प्रेशर का बैलेंस बनाने में अति उत्तम, इसके बराबर सानी नहीं है किसी की, अर्थात हृदय के जो रोग है वो निकट नहीं आते हैं, इतने बेहतरीन ये परिणाम देते हैं, त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये अलसी के बीज। इसका सेवन कैसे करना है वो जरा बेहतरीन तौर पर समझ लें। रात्रि को सोते समय एक चम्मच किसी गिलास के अंदर पानी में भिगो कर अलसी के बीज को रख दीजिए करीब 6 ग्राम की मात्रा में, और सुबह तक भिगा रहने दें, फिर एकदम खाली पेट इसका चबा चबा कर सेवन कर लीजिए। शुरुआती तौर पर सीधा एक चम्मच से शुरू न करें, पाव चम्मच से शुरू करें, फिर इसको बढ़ाते 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 10-15 दिन के बाद में आप एक चम्मच तक आए, ताकि इसका कोई मान लो कोई एलर्जी ना हो या कोई दुष्प्रभाव ना हो, क्योंकि ये गर्म तासीर का है और कईयों को ये सूट नहीं होता, अर्थात जब आप कम मात्रा से सेवन करोगे तो हो सकता है कि आपका किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, और अगर मान लो 5-7 दिन के बाद में कुछ दिक्कत उत्पन्न होती है तो इसको आप सेवन करना बंद कर दें। अगर थायराइड की शिकायत है तो उस दौरान आप एक चम्मच रात्रि को भिगो कर रखना है और सुबह वापस पानी वानी उसको फेंक देना, और बाकी आप उसको चबा चबा कर बेहतरीन तौर पर और सुबह सुबह खाली पेट लेना है, और शाम को ही ठीक खाली पेट वापस एक चम्मच सुबह भिगो के रख दीजिए और शाम को उसको चबा चबा के सेवन कर लीजिए। थायराइड के लिए इस ढंग से आप इसको सेवन करें। 3 महीना तक अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो थायराइड में काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है, थायराइड में काफ़ी कुछ रिलीफ मिल जाता है आपको, क्योंकि जिन्होंने इसका उपयोग किया उनको लाभ प्राप्त हुआ है। बस सावधानी के तौर पर आपको यही, अगर आपको किसी भी ढंग की अगर वॉमिटिंग वगैरह या इसका जी घबराना वगैरह होता है तो इसका सेवन ना करें। गर्भावस्था में अगर बच्चा है किसी माँ के तो माँ बहन बेटी इसका उपयोग ना करें, बाकी इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन लोगों को ये नुस्खा आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक लाइक मेरे लिए।